Hello everyone. So welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. आज के टॉपर्स टॉक में हमारे साथ हैं राहुल कुमार शर्मा, जिन्होंने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स में ऑल इंडिया रैंक 11 आया है इनका ऑल इंडिया रैंक 11 ही हैज अचीव्ड. सो ही इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम गोरखपुर एंड यू मस्ट बी नोइंग द गोरखपुर. ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, तो जिस प्रकार से उन्होंने देश और विदेश में अपना परचम लहराया है उसी प्रकार से राहुल कुमार शर्मा ने भी ऑल इंडिया रैंक 11 यूपीपीसी लाकर यूपीपीसी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में अपना नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है. ही हैज डन बीटेक फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2017. इट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज. ही हैज ऑल्सो डन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गोरखपुर इटसेल्फ. तो कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू दैट इज दिस योर फर्स्ट अचीवमेंट और यू हैव अचीव्ड अर्लियर ऑल्सो कुछ कोई दूसरे भी आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं. ज्वाइन कर लिया 2018 में. तब से मैं अभी एसएससी जेई के थ्रू सेंट्रल वाटर कमीशन में एज अ जेई वर्क करता हूँ. ओके, मतलब एक अचीवमेंट आपके पास पहले से एसएससी जेई के क्रैक करके थी. दैट वाज विद अ सेल्फ स्टडी और मतलब आपने कोचिंग उसके लिए भी की थी? नहीं सर, वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही क्रैक किया था ड्यूरिंग माई बीटेक. ओके, तो वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पॉइंट की सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्रैक किए जा सकते हैं. यस सर, विद अ गुड विद अ गुड स्ट्रेटजी यू कैन क्रैक द एग्जाम्स विद अ सेल्फ स्टडी. सो एज पर आई नो योर फादर एक्सपायर्ड इन 2015. यस सर. सो एंड योर अचीवमेंट एसएससी जी यू हैव क्लियर्ड इन 2017 ऑलमोस्ट रिजल्ट जब आया था आपके पास. So it was one of the toughest time in 2015 and you were in college also. Yes sir, it was my second year B.Tech. Second year B.Tech. So that was a great setback to you. Yes sir. So aap us kathin samay mein aap apne aap ko kaise matlab kar paaye the? Sir, kisi ke life mein bhi ye wala condition thoda difficult to hota hi hai, lekin mere father ki inspiration aur वो हमेशा से हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे कि नो व्हाट विल बी द सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म बेटर. तो उनके इन सब चीजों से ही मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती थी और उसी की वजह से मैं आगे कंटिन्यू कर पाया. तो यू कैन अंडरस्टैंड द व्यूअर कैन लिसन वन थिंग कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि देयर वाज अ सेटबैक इन द लाइफ ऑफ एवरी पीपल. तो उनको वहां पे नहीं, ही हैड यू नो इंस्पिरेशन इन द टर्म ऑफ हिज फादर. इनके फादर के रूप में इनके पास इंस्पिरेशन था और इंस्पिरेशनल वर्ड्स ने इनको मोटिवेट किया एंड ही हैज क्लियर्ड द एसएससी जेई इन 2017 एंड नाउ ही हैज क्लियर्ड द ईपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर विद 11th रैंक. तो अच्छा, आप जो उस समय इसका मतलब टफ टाइम किसी के लाइफ में आ सकता है, तो हाउ टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ थिंग? सर, सबसे पहले तो हमको ये एनालाइज करना होगा कि चीजें जितनी भी या सिचुएशन जो भी हमारे लाइफ में आते हैं, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर जस्ट टेम्पररी थिंग्स. हाँ, कुछ समय के लिए हम उसमें रुक से जाते हैं, लेकिन हमेशा चलता रहना और हमेशा के लिए कोशिश करते रहना, दीज आर द की पॉइंट्स विच वी हैव टू फॉलो बिकॉज लाइफ इज अनस्टॉपेबल एंड वी हैव टू डू समथिंग एंड गो अवे from the bad times so that things that are remains to unfold in our future we can lead this time. So yahan se ek baat hai, aap samajh mein aa rahi hai ki ye life ke jo journey hai wo agar setback aa rahi hai to that is not permanent, that is for a particular period of time. So us samay apne aap ko sambhal kar aur aage ki taraf life ki journey mein chalna hai na. So yes sir, we have to continue. Oh, we have to continue. Very good, very good. So, have you written some other exams also?
सर 2018 में मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं कोचिंग के लिए चला गया था, तो उसके बाद मैंने 2018 के गेट और ESE पेपर लिखे थे, तो गेट में मेरे इतने अच्छे मार्क नहीं आए थे कि मुझे प्रेस्टीजियस जो कोर कंपनीज है उसमें से कॉल आए, लेकिन ESE का मैंने प्री क्लियर करके मेंस लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया SSC के। इसका मतलब है कि आपने जो है उस तरीके से मतलब गेट और ESE भी लिखा, तो वो तैयारी आपकी मतलब वैसे वैसे बिल्डअप हो रही थी, है ना? हाँ सर। तो आप जब 2017 में मतलब ज्वाइनिंग कब आई थी आपकी? सर मई 2018, मई 2018, मई 2018। अच्छा, तो मई 2000 मतलब जॉब करने के साथ साथ आपने तैयारी कंटिन्यू की? हाँ सर, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे एग्जाम कुछ नंबर से छूट रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसमें अगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में मेरा उसमें चांस बन सकता है, तो मैंने कंटिन्यू रखा। फिर 2019 में भी मैंने दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ESE क्रैक नहीं हो पाया उस साल भी, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, तो उसके बाद मैंने 6-7 महीने के लिए अपनी पढ़ाई रोक दी, और मैं जहाँ पे पोस्टेड था वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अपने मेरी जो जॉब थी उस टाइम पे उसको मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेकर सीखना स्टार्ट किया। फिर जब मैं उसमें अपना पूरा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सारी जब मैंने देख ली कि हाँ यहाँ पे बेसिक्स क्या है, कैसे काम करना है, तो उसके बाद फिर से मैंने अपने स्टडी पे अपना टाइम देना स्टार्ट किया, तो तब मुझे थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि अब मुझे जॉब समझ में आने लगी थी, तो जॉब के साथ साथ पढ़ाई अब थोड़ी मैनेज होने लगी थी, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई पे अपना फोकस देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे 2-4 घंटे जब भी मुझे टाइम मिलता था, साइट पे हूँ या विजिट पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं रिवाइज करता रहता था, या प्रीवियस ईयर जो MCQs होते हैं उनको सॉल्व करता रहता था, तो उससे थोड़ा, और जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके पेपर देखता रहता था, तो उससे आइडिया लगता था कि मेरी प्रिपरेशन अभी किस स्टेज पे पहुंची है। उसके बाद 2019 कंप्लीट होने के बाद 2020 में जो कोरोना का एक टाइम आया था, उसके बाद थोड़ा उस टाइम में भी थोड़ा टाइम मिल गया पढ़ाई करने का, फिर उसके बाद UPSC AE के फॉर्म्स आने स्टार्ट हुए, तो उसके बाद मैंने एग्जाम फिर से लिखना स्टार्ट किया। ओके, जैसा राहुल आपने बताया कि 2000 इसमें आपने जो ESE का पेपर लिखा था, तो यू हैवंट क्वालिफाइड द प्री तो आपने मतलब उस समय कुछ 7-8 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ सर, मैंने रोक दिया था। उस समय किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन आपको फील हुआ था? सर एक्चुअली मैं, मेरी पोस्टिंग थोड़े विलेज एरिया में थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता था, तो मैंने बहुत मेहनत करी थी प्री लिखने के लिए, लेकिन कुछ पेपर में ऐसा इक्वेशन बन नहीं पाया, तो मैं 4-5 नंबर से रह गए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब लग रहा है कि प्रिपरेशन ही रोक देनी चाहिए, क्योंकि एफर्ट डालने पे भी कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है, और जॉब को ही कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैंने जॉब को कंटिन्यू किया, 6-7 महीने मैंने खूब जम के जॉब किया, सारे काम सीखे डिपार्टमेंट के, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि अब मेरा यहाँ पे सैचुरेशन होने लगा है, अब यहाँ पे और कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है, अब वही डेली वर्क जो होता है उस टाइप का काम आ गया, तो फिर मैंने अब वहाँ से निकलने के लिए ट्राई करने का स्टार्ट किया, और वहाँ से फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ओके, तो आपने बताया कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी जॉब्स में, मतलब किस तरीके के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ताकि क्योंकि आप एक तरीके से आपका एक गोल था, एक लक्ष्य था कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं, और साथ साथ आपके पास प्रॉब्लम, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग थी आपके पास प्रॉब्लम, तो इन दोनों को चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे थे, पहली बात तो ये, दूसरा ये कि किस तरीके का प्रॉब्लम था, कैन यू एलबोरेट? सर प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल, थोड़े विलेज एरिया में अभी भी पावर कट के प्रॉब्लम रहते हैं, आपको प्रॉपरली लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा वाटर सप्लाई, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, तो उन सब चीज़ों में आपको कभी कभी इमरजेंसी लाइट या फिर वर्स्ट कंडीशन में मोमबत्ती लेकर भी पढ़ना पड़ जाता है, तो ऐसे भी कुछ सिचुएशन हुए थे मेरे साथ, लेकिन फिर एक्चुअली में मेरे फादर बहुत लेबोरियस काइंड ऑफ पर्सन थे, और उन्होंने क्लास 10 तक मुझे खुद से घर पे ही कोचिंग खुद से ही कराई थी, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग अलाउ नहीं करते थे, वो खुद से ही मेहनत करते थे, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहती हैं, आपको खुद से अंदर से मोटिवेट करती हैं कि नहीं आपको यही नहीं रुकना है, कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी सिचुएशन, तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली द अचीवमेंट विल बी देयर एंड यू विल फाइंड योर कोर्स, तो ये सब मोटिवेशन लेके मैं ट्राई करता रहा। आपसे एक चीज सीखने को मिल सकती है व्यूअर्स को, जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, कि हर्डल जितने भी हो, यू कैन क्रॉस दैट ऑल हर्डल, लेकिन आपको एक मतलब हिम्मत रखनी चाहिए, एक गोल ओरिएंटेड स्टडी, क्योंकि इन्होंने आपको बोला कि इमरजेंसी लाइट का भी प्रयोग इन्होंने किया,
तो कितनी परेशानी, पहली परेशानी इनके फादर्स के रूप में इनको मिली, दूसरा जब ज्वाइन किया तो ही हैड अ सर्टेन गोल टू अचीव अ वेरी गुड, ही वांट टू गो एट अ वेरी गुड पोजीशन, तो बट ही हैजंट स्टॉप्ड हिज वर्किंग, ही कंटिन्यूड हिज वर्किंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो आप लोग इस बात को फ्यूचर स्टूडेंट्स को मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें, फेलियर और ये सब आते रहेंगे बट यू हैव टू कंटिन्यू योर वर्क. ठीक है, तो आप अच्छा मोटिवेशन के लिए कोई पोएम्स वगैरह भी सुनते थे क्या, पोएम्स और गाने वगैरह कुछ भी? नहीं सर, पोएम गाने तो नहीं, लेकिन जब मैं अपने वर्किंग में था तो मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे उनके कॉन्टेक्ट में आने के बाद मैं थोड़ा सा रामकृष्ण मिशन की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ी थी, तो उसमें एक कोट लिखा हुआ था कि आप अगर कोई काम स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू कंटिन्यू अनटिल यू अचीव योर गोल्स, या तो आप इसको स्टार्ट मत कीजिए और अगर आप बहुत सोच समझ के किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो यू हैव टू वर्क अनटिल यू अचीव द गोल. तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती रहती थी और मैं उसको लेके ही हमेशा आगे बढ़ता रहा. तो दैट इज द पंच लाइन फॉर टुडे, कि आपने अगर जो स्टार्ट किया है काम यू हैव टू फिनिश दैट वर्क, एम आई राइट? हाँ, कि आप जिस काम को स्टार्ट चाहे तो स्टार्ट ना करो, अगर स्टार्ट किया है तो यू हैव टू फिनिश इट. तो दैट टाइप ऑफ स्पिरिट कि आपके पास फ्यूचर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, दैट शुड बी स्पिरिट विद द फ्यूचर स्टूडेंट. ओके, तो आपने इंजीनियर्स एकेडमी की इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन की, am I right? Yes sir. Yes sir. अच्छा, हाउ यू कम टू नो कि मुझे इंजीनियर्स अकेडमी के आपके पास ज्वाइन करना चाहिए फॉर द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम? सर एक्चुअली मैं जब रिटन एग्जाम्स के रिजल्ट आउट हुए तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे सर्च करना कि कैसे इंटरव्यू इंटरेक्शन होता है, क्या क्या होता है. तो वहाँ पे मैंने देखा कि निंबस लर्निंग पे बहुत सारे आपके इंटरव्यूज पड़े हुए थे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पड़े हुए थे. तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो वहाँ से फिर सर ने कॉल किया कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो देन वी विल गाइड यू. तो फिर मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद आई हैव गॉट इंटरव्यू ऑन मॉक इंटरव्यू ऑन 5th में. मेरा इंटरव्यू जो था बीएससी और 10th में को था, तो 5 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाया था, तो उसको मैंने अटेम्प्ट किया और उसमें सर ने जो पॉइंट्स मेंशन किए थे उसको लेके मैं गया था इंटरव्यू में. दीज आर द की पॉइंट्स व्हिच प्लेज अ वेरी क्रिएटिव रोल फॉर माय सक्सेस. मतलब आपने पहले YouTube पे सर्च किया एंड यू कम टू नो कि इंजीनियर्स एकेडमी इज यू नो द प्लेटफॉर्म व्हिच इज गिविंग द IGP प्रोग्राम फॉर दिस, ऐसा ना? यस सर करेक्ट. और आपने वहां से भी कुछ लर्निंग सीखी होंगी उस YouTube वीडियो से? यस सर, मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देखे थे आपके, जो पुराने एस्पिरेंट इन्होंने करेक्ट किए थे सर. ओके, सो व्हाट वाज द लर्निंग फ्रॉम द इंटरव्यू दैट यू हैव गिवन एट द इंजीनियर्स एकेडमी? सर एक्चुअली मैं फर्स्ट तो एक HR सेशन था, मैडम ने लिया था, तो उन्होंने तो गुड कमेंट दिए थे मुझे, लेकिन जो मेरा टेक्निकल पोर्शन था उसमें क्या था कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एलोबोरेट करके बता रहा था. तो सर ने मुझे गाइड किया कि आपको मतलब जो पॉइंट्स वहाँ पे क्वेश्चंस वहाँ पे जो पूछे जाएंगे उनको आप टू द पॉइंट अगर आंसर कर दो तो इट विल मीन्स गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. तो उन सब चीज़ों को मैंने ध्यान रखा था और कुछ सब्जेक्ट वाइज जैसे उन्होंने गाइड किया था कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को फुल्ली रेडी करके थोरली पढ़ के जाना जो आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे, या बोर्ड पे कैसे लिखना है उनकी प्रैक्टिस करके जाना. दिस हेल्प्स मी अ लॉट. ओके, तो इसका मतलब कि इंजीनियर्स एकेडमी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना आपके लिए बेनिफिशियल हुआ? हाँ सर डेफिनेटली, 5 दिन पहले मैंने जो चीज़ें सीखी थी उसको मैंने फुल्ली इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पे मुझे ये चीज़ें देखने को भी मिली कि हाँ उनसे बहुत फायदा मिलता है. अच्छा, वुड यू सजेस्ट समवन द फ्यूचर एस्पिरेंट टू ज्वाइन द इंजीनियर्स एकेडमी? यस सर डेफिनेटली, इफ एनीवन वांट्स टेक्निकल गाइडेंस और इंटरव्यू गाइडेंस देन डेफिनेटली दे शुड गो फॉर निंबस लर्निंग टेक्निक. ओके, ये अगर मैं आपसे अगर रेटिंग के टर्म्स में पूछूं कि आउट ऑफ 10 अगर इंजीनियर्स एकेडमी को कितना रेट करना चाहोगे? सर एक्चुअली आई हैव गॉट सिलेक्शन ड्यू टू माय ट्रेनिंग ड्यू टू माय लर्निंग फॉर इंटरव्यू फ्रॉम नंबर्स लर्निंग, सो आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10. ओके, दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस.
कि आपकी पहली की आपकी सिलेक्शन हो गई एंड दूसरी की हम लोगों ने आपके मतलब इस तरीके से मदद की एंड दैट इज आवर पर्पस कि यहाँ पे हमारा कोर्स ये है कि नहीं बस ये है फ्यूचर की तैयारी. ओके तो वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग कि आप अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स को किस तरीके का टिप्स देना चाहोगे. सर फ्यूचर एस्पिरेंट को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक कि आप इसमें कितना टाइम दे सकते हो और जितना भी टाइम अगर आप देना चाहते हो तो उसमें आपको फिर और कहीं पे भटकने की या फिर और किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आपके रिजल्ट नहीं निकल रहे तो भी आप उसमें लगे रहिए, बस आप एनालाइज करते रहिए कहाँ पे पॉइंट्स रह जा रहे हैं, कौन सी चीज़ों पे आपको वर्क करना है, कौन से आपके वीक सेक्शन है जिसकी वजह से आपके प्रिपरेशन रुक जा रहा है. तो सर मैंने जब एग्जाम लिखा था दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद तो UPSC यही मैंने दिया था, लेकिन 4-5 नंबर की वजह से मैं उसमें 3 में रह गया था. तो उसमें मैंने देखा कि मेरे जो एक तो मैं कैलकुलेटर लेके जाना भूल गया था तो उसकी वजह से मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए थे और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पेपर्स में थोड़े रिपीटेड रहते हैं. उनकी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे और जो आपके मिस्टेक्स हैं उनको आप अगर कहीं पर लिख लेते हो किसी नोटबुक में और लास्ट टाइम अगर उनको रिवाइज कर लेते हो तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है. आपके एरर जो क्वेश्चन आपको आते हुए जो क्वेश्चन है उनमें एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो इन सब चीज़ों को अगर वो काम करेंगे तो डेफिनेटली दे विल अचीव देयर गोल्स. ओके तो कुछ रेफरेंस बुक भी आपने रेफर की थी तैयारी के लिए. सर इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली तो मैंने गेट और ESC के प्रीवियस ईयर ही सॉल्व किए थे, बाकी टेक्निक नॉन टेक मेरा थोड़ा वीक है तो नॉन टेक में मैंने उतना फोकस नहीं किया था. हिंदी की मैंने प्रिपरेशन अच्छे से करी थी और बाकी मैंने टेक्निकल करा था. टेक्निकल में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि मेरा फाइनल रिजल्ट. मतलब आप कहना चाहोगे कि अगर जो स्टेट सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स होती हैं उसमें गेट ESC के पेपर लगभग सॉल्व करके भी जाओ, मतलब हाईएस्ट के भी, तो फायदेमंद होगा, इट विल बी बेनिफिशियल. सर अभी जो इंजीनियरिंग के जो स्टेट सर्विसेज में जो पेपर आ रहे हैं उनमें तो सर गेट और प्रीवियस ईयर ESC के कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जा रहा है, तो अगर उनके कॉन्सेप्ट अगर हम मेरे रेडी हैं तो यस डेफिनेटली दे विल हेल्प यू. तो वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट इज कमिंग कि आपके पास गेट और ESC के पेपर रिपीटेशन हो रहे, कॉन्सेप्ट इज रिपीटेशन, तो यू शुड फॉलो दोस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, एम आई राइट? यस सर डेफिनेटली. ओके तो अगर आपको मतलब अगर भविष्य में अगर ESC अगर आप मतलब क्योंकि आपने ESC की तैयारी स्टार्ट की थी तो अगर आप फ्यूचर्स में कुछ ऐसा तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं या. सर एक्चुअली मेरा एम तो रेलवे से ज्वाइन करना था लेकिन अभी ESC से बाइफर्गेट कर दिया गया है रेलवे को, अब ये CST के थ्रू जा सकते हैं आप रेलवे में अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस में भी अगर आपको सेवा देनी है तो. तो फिलहाल तो मैं अभी UPSC लेक्चर को ही ज्वाइन करने जा रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे अगर वर्किंग के साथ साथ अगर साइड में अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट. ओके तो एक लास्ट पॉइंट जो कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे कि आप कितने आवर्स की स्टडी करते थे और कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए. सर अगर आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हो आपके पास सफिशियंट टाइम होता है, आप आराम से जितने भी टाइम में आपके पास बचते हैं दिन भर में अपने नेसेसरी काम को करने के बाद तो आप आराम से उसमें टाइम दे सकते हो पढ़ाई में. लेकिन अगर आप जॉब में हो तो आपको एटलीस्ट 4-5 आवर मिनिमम 4 आवर तो आपको निकालना ही पड़ेगा. आप या तो सुबह जल्दी उठो या फिर रात तक लेट उठो करके आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन 3-4, 4-5 आवर डालना चाहिए क्योंकि उसके बिना आपकी सिलेबस कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए कुछ अगर फ्यूचर का एक्सपीरियंस तो बताना चाहोगे. ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स बिकॉज आपके पास लास्ट टाइम में लास्ट एग्जाम से एक दो दिन पहले का टाइम होता नहीं है कि आप सारे सिलेबस को एक साथ रिवाइज कर पाओ और यहाँ पे जो पेपर अभी है वहाँ पे फॉर्मुला ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 40%-50% वेटेज उनका भी रहता है. तो लास्ट मोमेंट में अगर आप 50% सिलेबस आराम से रिवाइज कर पाओ शॉर्ट नोट्स के थ्रू तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता. तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टेस्ट दे रहे हो तो उसमें जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनका अगर कहीं पे आप साइड से नोट बनाते चलेंगे
जिनमें आपके एरर्स हो रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप उनको रिवाइज कर जाते हो तो 50% क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे उनमें मतलब आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड दे कैन मेक योर सिलेक्शन। और टेस्ट सीरीज का कितना महत्व होता है? टेस्ट सीरीज सर मुझे तो लगता है कि आपको एटलीस्ट 5 से 10, 5 से 6 टेस्ट सीरीज तो फुल लेंथ के आपको लिख के ही जाने चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मीन्स आप थ्रू आउट द पेपर सारे क्वेश्चन को एक साथ अटेम्प्ट करते हो जाते हो, या फिर फर्स्ट राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जिनमें आप कंफर्टेबल हो, देन आफ्टर सेकंड राउंड में आप क्वेश्चन ऐसे देखते हो जो थोड़े से टिपिकल हैं, और फाइनल राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करते हो जो आपको लग रहा है कि आपसे होने नहीं वाले। तो दिस एक्सपीरियंस यू विल गेन आफ्टर ओनली अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। तो मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके जाने चाहिए एटलीस्ट 5 to 6 फुल लेंथ। तो वन नोटिस फॉर व्यूअर्स की इंजीनियर्स एकेडमी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है फॉर द गेट 2023 एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन एट द इंजीनियर्स एकेडमी टेस्ट सीरीज एंड दैट इज वेरी वेल डिजाइंड टेस्ट सीरीज फॉर द गेट। अगर आप जो तैयारी करना चाहते हैं बिकॉज जैसा राहुल ने बताया कि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको एक अच्छे टेस्ट सीरीज की जरूरत है जो इंजीनियर्स एकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगी और बहुत ही चिप कॉस्ट में, बहुत ही सस्ते दामों में आपको प्रोवाइड कराएगी और दैट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल टू यू। ओके, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। सो राहुल, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कुछ व्यूअर्स को बताएं कि कुछ मोटिवेशनल चीजें जो वो याद रखें एंड दैट ही शुड कंटिन्यू हिज प्रिपरेशन। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हो जो आपके पूरे लाइफ को या आपके फैमिली के पूरे लाइफ को चेंज करे, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप एक बार किसी चीज को डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे इस चीज को अचीव करनी है और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हो, तो फिर आपको हर कंडीशन में, आपके फैमिली प्रॉब्लम हो या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके के सराउंडिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यू हैव टू कंटिन्यू। और अगर आप उस चीज को कंटिन्यू रखोगे तो हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में पेपर ना निकले या 1-2 साल आपको थोड़ा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो, बट आफ्टर दैट जब आप एग्जाम निकलने लगेंगे तो आप देखोगे कि आपके कंटिन्यू सारे एग्जाम निकलेंगे। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यू लगे रहना है और आई विल से बेस्ट ऑफ लक फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द पेपर्स। थैंक यू सो मच सर। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, लिव द प्रेजेंट विद अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड फील द ब्यूटी ऑफ द फ्यूचर। ओके आयुष्मान, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम वंस अगेन। कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.